वालेकुम। तो मेरा नाम मुसा हफीज़ है। तो क्या आप थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान टीम? 63 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 385 की लीड रहती है। मैंने यही कहा था कि ये इस किस्म की कंट्री के साथ जो जिस कहते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ हम नहीं खेल सकते। इन प्लेयर्स को वापस बुला लिया जाए, सारे बाबर आजम से लेकर सारे 11 खिलाड़ी, इनको श्रीलंका के खिलाफ खिलाया जाए, बांग्लादेश के खिलाफ ये प्लेयर्स नहीं खेल सकते। जिससे कि आज परफॉर्मेंस सलमान अली आगा रन आउट हो रहे हैं, पता नहीं क्या, एक तो विकेट इतनी गिरी हुई है, ऊपर से रन आउट हो गए हैं। सरफराज अहमद पिछले मैच में 3 रन, इस मैच में 4 रन। मैंने पिछली बार बात की थी कि इंग्लैंड के पिचेस पे या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन पिचेस पे रिजवान को खिलाया जाए और सरफराज को एशियंस पिचेस में खिलाया जाए, तो मेरे भी बहुत से लोगों ने तनकीद की कि ये गलत हो रहे हैं। आज देख लें, नहीं खेल सकते सरफराज इस तरह की पिचेस या इस तरह की बाउंसी पे कंडीशन पे, उनके जिस पे रिजवान बेटर रहेंगे। बाबर क्या खेले हैं, इमाम क्या परफॉर्मेंस दी है, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, कहीं इंटेंट नज़र नहीं आया कि हम इंटेंट के साथ खेलेंगे। क्या इंटेंट, कुछ इंटेंट नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जीतने की तरफ जा रही है, या जीतने के छोड़े सिर्फ खेलना नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है पाकिस्तान प्लेयर्स को।